इस वीडियो के अंदर हम जामिया मिलिया इस्लामिया की हिस्ट्री के बारे में पूरी एक इस वीडियो के अंदर हम कवर कर देंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की जब से गठन हुआ तब से अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी इसके बारे में है एक वीडियो के अंदर हम सब कवर कर देंगे। तो एक ये पूरी वीडियो है, ये वीडियो आप एग्जाम से पहले देख के जरूर जाएं जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिस ना हो जाए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। जामिया मिलिया इस्लामिया का इंट्रोडक्शन। जामिया मिलिया इस्लामिया एन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन अलीगढ़। ओरिजिनली एस्टेब्लिश कहाँ हुई? जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में हुई। एक क्वेश्चन ये बन सकता है सीधा सीधा, इन यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको कहते हैं हम संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जिसका वर्तमान में नाम है उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे पहले इसका गठन कहाँ पर हुआ? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ के अंदर। इन इंडिया इन 1920 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई। ये आपको याद होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ इसका? जामिया मिलिया इस्लामिया का 1920 में अलीगढ़ के अंदर हुआ। बिकम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1988। 1988 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये यहाँ पर दिया गया है। इन उर्दू लैंग्वेज जामिया मीन्स, उर्दू लैंग्वेज में हम जामिया को क्या कहते हैं? जामिया तो उर्दू लैंग्वेज में है लेकिन उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसका जो मीनिंग रहेगा यूनिवर्सिटी। जामिया का मीनिंग होता है यूनिवर्सिटी और मिलिया का मीनिंग होता है नेशन या नेशनल। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। तो जामिया का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी और मिलिया का मीनिंग हो जाएगा नेशनल। नेशनल मतलब राष्ट्र। यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? विश्वविद्यालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ इट्स ग्रोथ फ्रॉम ए स्मॉल इंस्टीट्यूशन इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया टू ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर प्री इंडिपेंडेंट आजादी से पहले इंडिया टू ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली ऑफरिंग इंटीग्रेटेड एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू रिसर्च इन स्पेशलाइज्ड एरिया। इन किस एरिया के अंदर? सागा ऑफ डेडिकेशन कन्वेंशन एंड विजन ऑफ पीपल हु वर्कड अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड सा इन ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। दे बिल्ट अप द जामिया मिलिया इस्लामिया स्टोन बाय स्टोन एंड सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस, सेड सरोजिनी नायडू द नाइटिंगल ऑफ इंडिया। तो ये सेक्रीफाइसेस, जब भी जामिया किसी भी संस्थान का जब गठन होता है तो उससे सेक्रीफाइसेस कुछ ना कुछ करने पड़ते हैं, उतार चढ़ाव वहां पर चलते रहते। तो बहुत से सेक्रीफाइस जामिया मिलिया इस्लामिया ने किए तब जाकर के अभी ये एक NIRF की रैंकिंग में टॉप रैंकिंग में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्शन, अंडर द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल टू डोमिनेंट ट्रेंड्स जॉइन हैंड एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इन द बर्थ ऑफ जामिया। वन वाज द एंटी कॉलोनियल इस्लामिक एक्टिविज्म एंड द अदर वाज द प्रो इंडिपेंडेंस एस्पिरेशन ऑफ द पोलिटिकल रेडिकल सेक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन मुस्लिम इंटेलिजेंसिया। इन द पोलिटिकल क्लाइमेट ऑफ 1920 द टू ट्रेंड ग्रेविटेटेड टूगेदर विद महात्मा गांधी एज ए कैटलिस्ट। मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे टिक लगाता रहूंगा, उसको हाईलाइट कर दूंगा। तो द एंटी कॉलोनियल एक्टिविज्म सिग्निफाइड बाय द खिलाफत एंड द प्रो इंडिपेंडेंस एस्पिरेशन सिंबोलिज बाय द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्प टू हार्नेस क्रिएटिव एनर्जीज एंड द सब्सिक्वेंट मेकिंग ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो किसने कहा ये आपको ये हेडलाइन ये याद रखनी है, जस्ट मिनट में इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जस्ट अ मिनट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये याद रखना है, पूछा जाएगा ऐसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। रेस्पोंडिंग टू गांधी जी कॉल टू बाइकॉट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सपोर्टेड और रन बाय द कॉलोनियल
रेजिम, ए ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट क्वाइट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट प्रो ब्रिटिश इंक्लिनेशन. द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस मूवमेंट वर मौलाना. इस प्रोमिनेंट जो मूवमेंट, इस प्रोमिनेंट के जो मेंबर थे, इसके जो कि प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे थे उसका बॉयकॉट करने के लिए जो मेंबर्स थे, उसमें कौन कौन से मेंबर थे? एक तो मौलाना महमूद हसन थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, हकीम अजमल खान थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल माजिद ख्वाजा. इसके ये प्रोमिनेंट मेंबर्स थे जिसका इन्होंने विरोध किया अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस का. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना है आपको. एक क्वेश्चन फाउंडेशन की बात करेंगे यहाँ पर. देखिए फाउंडेशन, द फाउंडेशन कमेटी मेट ऑन 29th October 1920. इट कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. फाउंडेशन कमेटी के जो मेंबर्स थे वो नीचे दिए गए हैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जिसमें कौन था? डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मुफ्ती कफायतुल्ला, मौलाना अब्दुल बारी, फरंग महलवी, फरंग महाली ये पढ़ना है, मौलाना सुलेमान नदवी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना हसीन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, चौधरी खलीकुज़मा, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, तसद्दक हुसैन खान, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पंजाब, मौलाना सनाउल्लाह खान अमृतसरी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब से जो ताल्लुक रखते थे. नीचे आते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनका जो ताल्लुक था बंगाल और बिहार से, डॉक्टर सैयद मोहम्मद, सैयद महमूद सेठ, अब्दुल हारून कराची वाला. पेन, जस्ट अ मिनट, पेन ले लेते हैं. अब्दुल हारून कराची वाला, अब्बास तैयब जी, सेठ मियां मोहम्मद हाजी जाम चौतनी चोटानी, मौलवी अब्दुल हक. तो ये सब कौन थे? फाउंडेशन कमेटी के मेंबर्स थे. इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं यहां से, याद रहेगा. ये फाउंडेशन कमेटी के मेंबर्स थे जिसका गठन हुआ था 29 अक्टूबर 1920 में इस कमेटी का गठन किया गया था. और ये नीचे चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन 22 नवंबर 1922 हकीम अजमल खान वाज इलेक्टेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया. ये आपको याद रखना है, 22 नवंबर 1920 में हकीम अजमल खान को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फर्स्ट चांसलर नियुक्त किया गया था. ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है. आगे बढ़ते हैं हम. और मोहम्मद अली जोहर बिकम जामिया फर्स्ट वाइस चांसलर. चांसलर कौन थे? फर्स्ट हकीम अजमल खान और वाइस चांसलर बने थे मोहम्मद अली जोहर. एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, जो कि वाइस चांसलर थे मोहम्मद अली जोहर. एज अल्लामा इकबाल कुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर मेड थ्रू गांधी जी. गांधी जी ने अल्लामा इकबाल को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने का ऑफर दिया था, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया था. वो अल्लामा इकबाल ने, देखो लिखा है कुड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अल्लामा इकबाल ने. ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी. मेड थ्रू गांधी जी. इट आल्सो इलेक्टेड ए सिंडिकेट एंड क्रिएट ए सिलेबस सब कमेटी. तो एक कमेटी के थ्रू इन्होंने इसका गठन किया गया. तो कौन बने वाइस चांसलर? वाइस चांसलर मोहम्मद अली जोहर बने और चांसलर के तौर पर हकीम अजमल खान को इलेक्ट किया गया. याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. द
द नॉन फ्रीडम फाइटर एंड मुस्लिम देवलोगिन मौलाना महमूद हसन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया एट अलीगढ़ ऑन फ्राइडे 29 अक्टूबर 1920। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, मौलाना महमूद हसन के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, कहां पर, अलीगढ़ के अंदर। क्या डेट थी, फ्राइडे 29 अक्टूबर 1920 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कंसिडरिंग द डिफिकल्ट सर्कमटाइंसिस अंडर विच इट स्टार्टेड द लिस्ट ऑफ इट्स फर्स्ट टीचर इज वेरी इंप्रेसिव। तो ये पता होना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइसिस, तो क्राइसिस क्या रही, बर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इट सीम्ड टू ए वाइल जामिया वुड नॉट सर्वाइव द हीट ऑफ द इंटेंस पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का जो भी सर्कमस्टांसिस थे उस टाइम पर, पॉलिटिकल उस टाइम पर क्राइसिस जो चल रहे थे, वो उस समय के रहते सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गठन के बाद कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगा कि पॉलिटिकल इशू की वजह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो इट पार्टिसिपेटेड इन द बारदोली रिवोल्यूशन एंड सेंट वॉलंटियर अक्रॉस द कंट्री टू मोटिवेट पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो कुछ वॉलंटियर्स अपॉइंट किए गए जो कि किस मूवमेंट के, बारदोली रिवॉल्यूशन, बारदोली जो सत्याग्रह चला था उसके लिए वॉलंटियर्स को अक्रॉस द कंट्री पूरे देश के अंदर, देश भर के अंदर लोगों को मोटिवेट किया गया, फ्रीडम फाइट फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम आजादी के लिए लड़ाई करो, तो आजादी के लिए आवाज उठाइए। तो ये यहाँ पर बताया गया। द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट सीम्स ऑफ टीचर्स, जस्ट अ मिनट पेन ले लेते हैं फिर, इट्स ए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन 1922 गांधी जी कॉल्स ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो 1922, ये जीके में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गांधी जी कॉल्स नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब चला, 1922 में। Even as its teachers and students were being released, Mustafa Kemal Ataturk declared the end of the Khilafat in 1924. आगे देखते हैं। Suddenly, Jamia saw itself in a great crisis. Jamia को लगा suddenly कि एक crisis का सामना करना पड़ा। सो थ्रू इट हैज अचीव्ड इट्स मिशन। तो यहां पर कुछ लोगों को क्या लगा कि जामिया एक बड़े संकट में है, जामिया को, तो जामिया के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें यह लगा कि अब हम एक बहुत बड़े संकट में हैं, और बाकी के जो लोग उसके खिलाफत में थे उन्हें यह लगने लगा कि अब हम अपने मिशन में कामयाब हो गए, कि जामिया अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो एज अदर बिलीव्ड दैट द इंस्टीट्यूशन हैड लॉस्ट इट्स राइजन retire with the end of the non-cooperation and the Khilafat movement. Even the little finance assessed. कुछ financial issue भी होने लगे जिसकी वजह से जामिया को लगने लगा कि अब हम आगे continue नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बात करते हैं, that the Khilafat has been given it also dried up as even prominent pupil started deserting it, Jamia total collapse virtually become an imminent possibilities. Jamia move into Delhi. यहाँ पर ये important point है, यहाँ पर ये मैं highlight कर देता हूँ जो भी important points रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं highlight करूँगा वही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाएंगी। तो Jamia move to Delhi. सबसे जामिया थी कहां पर, अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ से कहां पर मूव हुई, दिल्ली के अंदर। तो अभी बात करते हैं कब ये मूव हुई, तो द सेइंग व्हेन गोइंग गेट्स
टफ द टफ गेट्स गोइंग कैन नॉट बी ट्रूअर अबाउट जामिया एज द क्राइसिस लूम्ड लार्ज. हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एंड अब्दुल माजिद ख्वाजा द फर्स्ट ट्रायो. फर्स्ट ट्रायो के अंदर कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, याद रखना. फर्स्ट ट्रायो में थे हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी. जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये हाईलाइट रखना इसको बस हाईलाइटर से. फर्स्ट ट्रायो में कौन थे, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा. ये किसमें थे, फर्स्ट ट्रायो, जो ट्रायो के अंदर थे. सपोर्टेड बाय गांधी जी, शिफ्टेड जामिया फ्रॉम अलीगढ़ टू करोल बाग. अलीगढ़ से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को दिल्ली के करोल बाग के अंदर शिफ्ट किया गया, अलीगढ़ से. ये क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बच्चे इसको गलत करके आएंगे. इन न्यू दिल्ली, करोल बाग के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को शिफ्ट किया गया अलीगढ़ से करोल बाग के अंदर. इसको शिफ्ट करने में हेल्प किसने की, महात्मा गांधी जी ने हेल्प की, सपोर्ट किया. ओके, तो कब शिफ्ट हुई है, 1925 में. ईयर भी पूछेंगे यहाँ पर, 1925 में अलीगढ़ से करोल बाग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को शिफ्ट किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया. और फर्स्ट ट्रायो में मेंबर थे हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल माजिद ख्वाजा. फर्स्ट ट्रायो के अंदर थे. 1925 में इसको शिफ्ट किया गया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को दिल्ली के करोल बाग के अंदर. गांधी जी बूस्टेड द मोरल ऑफ जामिया सेइंग, गांधी जी ने जामिया मिलिया इस्लामिया को बूस्ट करने के लिए कहा. क्या कहा, द जामिया हैज टू रन, जामिया को रन मतलब चलाइए. इफ यू आर वरीड अबाउट द फाइनेंशियल, आप फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई भी चिंता न करें, पैसे की कोई चिंता न करें. इट विल गो अबाउट विद ए बैगिंग बोल. तो महात्मा गांधी जी ने कहा यहां पर कि जामिया को आगे बढ़ाने के लिए, जामिया को चलाने के लिए मैं कटोरा लेकर के भी आपको भीख, कटोरा लेकर भीख मांगूंगा और जामिया को सपोर्ट करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो. तो जामिया फॉलोड गांधी जी, गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर सेल्फ रिलायंस विद इट टुक ए चरखा एंड तलकी एज फेवर्ड विक्टिम्स. आगे बढ़ते हैं. ऑल्दो गांधी जी कॉन्टेक्ट्स हेल्प्ड टू सिक्योर फाइनेंशियल हेल्प फॉर जामिया, गांधी जी ने क्या कॉन्टेक्ट्स किए हेल्प करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, उन्होंने हेल्प करने के लिए लोगों से गुहार भी लगाई. द रिस्क ऑफ हेल्पिंग ए कांग्रेस बैक्ड इंस्टीट्यूशन अंडर द ब्रिटिश राज डिसवेडेड मैनी विलिंग बेनिफैक्टर्स. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आल्सो व्यूड जामिया मिलिया इस्लामिया थ्रू टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द मुस्लिम ऑक्सफोर्ड ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट डेज. इट वॉज हकीम अजमल खान हु मेट मोस्ट ऑफ जामिया एक्सपेंसिस फॉर हिज ओवन पॉकेट. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रिसर्जेंस द सेकंड ट्रियो के अंदर क्या था. सेकंड ट्रियो, पहले की तो हमने बात कर ली, सेकंड फर्स्ट ट्रियो में जो बनाए थे. इन 1920 आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन ए ग्रुप ऑफ द थ्री फ्रेंड्स स्टडी इन जर्मनी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद मुजीब डिसाइडेड टू सर्व जामिया. डॉक्टर जाकिर हुसैन हु हैड अर्न हिज डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया इकोनॉमिक्स, डॉक्टरेट इकोनॉमिक्स के अंदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से जामिया मिलिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इकोनॉमी के अंदर डॉक्टरेट की बर्लिन से. वॉज ए नेचुरल एंड सरकमटांसिस सॉरी क्रिस्मेटिक लीडर. डॉक्टर आबिद हुसैन हैड हिज पीएचडी इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर डॉक्टर आबिद हुसैन ने पीएचडी की एजुकेशन के अंदर. मोहम्मद मुजीब एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ प्रिंटिंग इन जर्मनी. तो जर्मनी से उन्होंने क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मोहम्मद मुजीब स्कॉलर रहे,
हिस्ट्री के, एंड स्टूडेंट प्रिंटिंग इन जर्मनी, स्टूडेंट रहे प्रिंटिंग से जर्मनी। तो वाज ए पैशनेट एंड कमिटेड रिफॉर्मिस्ट। ईयरली इन फेब्रुवरी 1926 द थ्री फ्रेंड्स लेट जर्मनी फ्रॉम जामिया बाय द नॉर्थस्टियर लियोड स्टीमर एसएस डेफलिंगर। ये आप इसको रीड कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। इन जामिया डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन वाज ऑफर्ड सैलरी, तो सैलरी के बारे बात आ गई यहाँ पर। क्वालिफिकेशन इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। दिस मूवमेंट वाज लेटर टू बिकम इन अक्टूबर 1938 एंड इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इदरा ए तालीम और तारीकी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इन 1928 हकीम अजमल खान पास्ड अवे, ये याद रखना है आपको, हकीम अजमल खान हाईलाइट कर देते हैं। इन 1928 हकीम अजमल खान की जो डेथ हुई वो कब हुई, पास्ड अवे 1928 में। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई जिसमें कि हकीम अजमल खान की डेथ की खबर ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब कि ये समझिए एक तरह से हिला दिया। एज इट वाज हकीम साहिब हिमसेल्फ हु हैज हैड बीन मीटिंग मोस्ट ऑफ जामिया फाइनेंशियल नीडेड। तो हकीम साहब जो थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी फाइनेंशियली देख रेख थी वो उसको उसकी मीटिंग को लीड करते थे और वही सब कुछ देख रेख ही करते थे, इसकी जो भी देख रेख होती थी तो वही करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो फाइनेंशियल क्राइसिस आना है और एक तरह से सभी चीजें समझना कोई इतना आसान खेल नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फाइनेंशियल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो इनके हाथ में थी। तो फाइनेंशियल नीडेड द लीडरशिप ऑफ जामिया देन मूव्ड इनटू द हैंड ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जामिया मिलिया इस्लामिया का जो भी करता धरता थे वो किसके हाथ में आ गई, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब वो आ गई डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के हाथ में आ गई, हु बिकम इट्स वाइस चांसलर। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1926 में वाइस चांसलर बनाया गया। ये देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया देन मूव्ड इनटू द हैंड ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन हु बिकम इट्स वाइस चांसलर 1926 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1926 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वाइस चांसलर बनाया गया था। टू रिजोल्व जामिया ऑफ द फ्रीक्वेंटली क्राइसिस, जो भी जामिया के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं आपको फ्रीक्वेंटली जल्दी से जल्दी उसको निपटा देना चाहिए। तो ये उनके हाथ में आया। ए ग्रुप ऑफ यंग जामिया टीचर्स, जामिया के जो टीचर्स थे उनके एक ग्रुप था जो यंग टीचर्स थे, लीड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन्हें लीड किया सबको। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ए प्लेज टू सर्व जामिया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर ऑन ए सैलरी नॉट मोर देन 150, 150 रुपए की सैलरी उन्हें मिलती थी जिसमें उन्होंने सर्वाइव किया और जितने भी टीचर्स थे उन्हें लीड किया और एक लीडरशिप बेहतर क्वालिटी पैदा की, अपने आप को साबित किया और जामिया को 20 साल के लिए उन्होंने सर्वाइव किया और चलाया भी बेहतर तरीके से। दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड द लाइफ मेंबर ऑफ जामिया, इस ग्रुप को क्या कहा गया, जामिया मिलिया इस्लामिया की जीवन कहा गया, जीवन को मतलब बचाने वाला कहा गया, ये समझिए आप। हिज रिपीटेडली इन 1942, अब आते हैं हम 1942 में, व्हेन ए सेकंड ग्रुप ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया टीचर्स टुक ए सिमिलर प्लेज। तो ये सिमिलर प्लेज का मीनिंग क्या हो जाएगा यहां पर, प्रतिज्ञा ली, इतिहास दोहराया गया कब, 1942 में, जब इसी तरह की प्रतिज्ञा सेकंड ग्रुप ने ली जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। तो जामिया डिपेंडेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस वाज ट्रीफर क्या लिख दिया ये ट्राइफिकेटेड इन 1928 विद द न्यूली एस्टेब्लिशमेंट जामिया प्रेस एट दरियागंज। जामिया प्रेस कहां पर एस्टेब्लिश की गई, दरियागंज के अंदर, उर्दू अकेडमी एंड मकतब जामिया अंडर द चार्ज ऑफ प्रोफेसर
मोहम्मद मुजीब के अंडर में ये चार्ज जो दिया गया, किस एकेडमी का, प्रेस का और उर्दू एकेडमी का चार्ज दिया गया। और कौन कौन थे इसमें, मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर अबिद हसन और मोहम्मद मिस्टर मोहम्मद हामिद अली रेस्पेक्टिवली, इन सबको ये चार्ज दिए गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब आता है यहां पर शिफ्टिंग टू द न्यू कैंपस। अब नए कैंपस की बात करेंगे, नए कैंपस को शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग टू द न्यू कैंपस, न्यू कैंपस के तौर पर इसको अब शिफ्ट किया गया। कहां पर, अब चर्चा करते हैं। ऑन 1 मार्च 1935 द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए स्कूल बिल्डिंग वॉज लेड एट ओखला। अब ये ओखला में आ गई बिल्डिंग बनाई गई, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, एक किसके तौर पर, फाउंडेशन स्टोन फॉर ए स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई ओखला के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। देन ए नॉन डिस्क्रिप्ट विलेज इन द साउदर्न आउटस्ट्रिक ऑफ दिल्ली, दिल्ली के साउदर्न में ये एक जो विलेज है ओखला, वहां पर ये नींव रखी गई इन 1936। ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ जामिया एक्सेप्ट जामिया प्रेस, द मकतबा एंड द लाइब्रेरी वर शिफ्टेड टू द न्यू कैंपस। तो न्यू कैंपस के अंदर जामिया प्रेस और मकतब और लाइब्रेरी ये शिफ्ट की गई, वर शिफ्टेड टू द न्यू कैंपस। द बेसिक एम्फेसिस, बेसिक एम्फेसिस ऑफ ए टीचर्स कॉलेज, टीचर्स कॉलेज क्या कहेंगे, उस्ताद का मदरसा, इन 1938, इन 1936 डॉक्टर एम ए अंसारी पास्ट अवे। अब 1936 डॉक्टर एम ए अंसारी पास्ट अवे ऑन 4 जून 1939। एम ए अंसारी की जो पास्ट अवे हो गए, जिनकी डेथ हो गई, कब हुई, 4 जून 1939 में एम ए अंसारी जी की यहाँ पर डेथ हो गई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया। द फेम ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया एज एन इनोवेशन, इनोवेटिव एजुकेशन मूवमेंट स्प्रेड एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बिगेन विजिट जामिया हुसैन। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन 1939 मौलाना उबैदुल्ला सिद्धू, आगे देखते हैं, ये रीड कर लेना थोड़ा इसको, ही स्टार्टेड 1946, जस्ट अ मिनट। आगे देख सकते हैं, अभी नीचे आते हैं थोड़ा। हाँ ये रहा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इन 1962 द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिक्लेयर्ड द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी। ये आपको याद रखना है, 1962 में यूनियन ग्रांट कमीशन ने यह डिक्लेयर किया कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये ईयर आपको याद रखना है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। एक नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बाई ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो एक था, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज मेड ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया ऑफ इन दिसंबर 1988, 1988 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा, और फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जितना बताया गया है बस इतना इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अब हम बिसाइड इट 9 फैकल्टी द जामिया हैज ए नंबर ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च लाइक ए जे के मास कम्युनिकेशन रिसर्च एकेडमिक ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। द जामिया इट इज ऑल्सो मार्चिंग अहेड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब यहाँ पे कोर्स बताए गए हैं जो उस टाइम पे चलाए गए थे। इट ऑफरिंग वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आईटी कोर्सेज
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के यहाँ पर आईटी के कोर्स चलाए गए अपार्ट ऑफ, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस द जामिया हैज ए कैंपस वाइड नेटवर्क विच कनेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ इट्स डिपेंडेंट्स एंड ऑफिसेस। ऑफिसेस बनाए गए, वो तो डॉक्यूमेंटेशन के जो वर्क होते हैं ऑफिस भी बनते हैं। तो यहाँ पर इतने जितने भी मैंने यहाँ पर ये चीजें बताई हैं, तो ये अबाउट जामिया के से रिलेटेड सभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे आई होप। ये जितने भी हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे बताया है। और ये सब कुछ आपके जामिया के अगर एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।